जिसने दिया तंबाकू को निमंत्रण समझो आ गया मौत का। दोस्तों जिसने दिया तंबाकू को निमंत्रण समझो आ गया मौत का निमंत्रण, ये कितना बहुत ही मीनिंगफुल और बढ़िया स्टेटमेंट है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं आज 20 पॉइंट लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके और आपको हिला देने वाले इसमें पॉइंट्स है और इसमें इन्फॉर्मेशन है। और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और हमें सच्चे नागरिक के तौर पर तो ये काम करना ही चाहिए। तो चलो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूँ। तंबाकू कानूनी तौर पर बिकने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका कुछ सर्वे के अनुसार सेवन करने से भी दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत मतलब बहुत ही खतरनाक। पॉइंट नंबर 2, भारत की 35% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। पॉइंट नंबर 3, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 48% पुरुष और 20% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है। भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले 60% लोग सुबह उठने के आधे घंटे के भीतर ही तंबाकू का सेवन। दोस्तों कॉलेज लाइफ में जब लड़के सुबह में हॉस्टल में रहता था तब ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ लड़के को सुबह टॉयलेट में है, आपको हंसी आएगी लेकिन ये फैक्ट है कि अगर वो सिगरेट या तंबाकू नहीं खाएंगे ना तो उन्हें टॉयलेट ही नहीं होती। दैट्स रियल। अगर आपके पास कोई एडिक्टेड हो तो देखो कि इतना खतरनाक है कि बस हम सोच भी नहीं सकते। भारत में लोग औसतन 17 साल की उम्र में ही तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं जबकि 28% महिलाएं 15 साल की उम्र में ही तंबाकू का सेवन करना, मतलब 17 साल के लड़के और 15 साल के लड़कियां तो सोच लो दोस्तों। भारत में 16 करोड़ लोग दोबारा ही तंबाकू का सेवन करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग तंबाकू को चबाते हैं जैसे कि गुटखा, जर्दा, खैनी, एक्सेट्रा। भारत में हर रोज 6,000 बच्चे तंबाकू का सेवन की शुरुआत। एक सिगरेट पीने से हमारी जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 20 सिगरेट पीते हो तो आपकी जिंदगी के 220 मिनट यानी कि 3 घंटे 40 मिनट कम हो जाते हैं। अगर आप साल भर प्रतिदिन 20 सिगरेट भी पीते हैं तो आपकी जिंदगी के 55 दिन यानी कि 1,320 घंटे कम हो जाते हैं। मतलब कि 10 साल सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के 550 दिन कम कर ले। 550 दिन मतलब लगभग 1.5 साल। दुनिया में हर साल तंबाकू का सेवन करने से 60 लाख लोग मरते हैं और इन 60 लाख लोगों में से 10 लाख लोग भारत के होते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन भारत में 3,500 मौतें तंबाकू का सेवन करने से होती। भारत में 40% कैंसर के मामले तंबाकू का सेवन करने के कारण ही होते। भारत में 40% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग करने को मजबूर हो, बहुत ही मजबूर। जब तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की वजह से उत्पन्न हुआ धुआं दूसरे लोगों के शरीर में जाए तो उसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग। भारत में 50% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग करने को मजबूर है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं, अगर बाजू वाला भी स्मोकिंग कर रहा है, अगर यह आपके पास आ रहा है वो धुआं तो आप उसे रोक भी नहीं सकते ना, ऑटोमेटिक वो आ जाए तो उसे हम लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग गए। और ये भारत में 50% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग की भी विक्टिम्स है। भारत तंबाकू उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत में हर साल 80 करोड़ किलो तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत में तंबाकू उद्योग से 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए। एक अनुमान के अनुसार 2018 तक भारत में तंबाकू का कारोबार 2,35,000 करोड़ का था। 2015 में तंबाकू पर लगाए जाने वाले टैक्स से भारत सरकार को 21,463 करोड़ की आमदनी हुई थी। भारत में सिगरेट कई देशों के मुकाबले 175% सस्ती पड़ती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण हर साल 6 लाख लोग मारे जाते हैं। सिगरेट बीड़ी पीना छोड़ के आप हार्ट अटैक के खतरे को 50% तक कम कर सकते, बहुत ही बड़ी राहत है। मतलब अगर आपने सिगरेट और बीड़ी पीना छोड़ दिया तो आप 50% हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो गए। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की उम्र धूम्रपान ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में 22 से 26% तक कम हो जाती है। मतलब राउंड फिगर पकड़े तो 25% तो उम्र वो लोग ही घट जाती है। और ये सारा का रिपोर्ट WHO का है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, लाइक करो और एक तूफान की तरह अपने दोस्तों के साथ फैला दो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाओ। आपके सजेशंस के लिए ऑलवेज वेलकम और आपको किस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं वो भी मुझे बताओ। और आपके कमेंट्स के लिए ऑलवेज वेलकम और हैव ए ग्रेट टाइम।